नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने। बात करेंगे आज इको नाइट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इको नाइट, इको नाइट हम नेपल्स भी बोलते हैं उसको, बहुत ही कॉमन दवाई है, आप सबको पता होगा। लेकिन इसके जो सीक्रेट पॉइंट्स है ये आपको नहीं पता या फिर बहुत कम पता है। विंटर सीजन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं कैसे बहुत ही शानदार तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आज जानेंगे इस विषय में। शुरुआत करते हैं टॉप पॉइंट्स, इसके जो क्लिनिकल टिप्स है उसके बारे में जानेंगे, ताकि बहुत सही तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर पाए। बहुत सारे लोग नाम जानते हैं, पोटेंसी जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता, इसीलिए वो लोग ऐसा फील करते हैं कि हाँ ये दवा काम नहीं करता। बिल्कुल काम करता है, लेकिन आपका यूज करने का तरीका गलत है, कहीं ना कहीं पर गलत जरूर है, तभी ये दवा काम नहीं करता। एक्यूट है, बहुत ही पावरफुल दवा है, जस्ट लाइक द एटम बॉम्ब, बहुत ही पावरफुल दवा है, यहां तक कि इमरजेंसी में आपकी जान बचा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हार्ट अटैक हो या फिर कोई भी इमरजेंसी वाला सिचुएशन हो, अचानक से आपको कुछ भी ऐसा हुआ, मतलब अभी कुछ नहीं था, नेक्स्ट मोमेंट वो प्रॉब्लम आप में आ गया, चाहे सर से लेकर पांव तक कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इसको याद रखना एक इंपॉर्टेंट इमरजेंसी वाला दवा है। जैसे कि स्टीरॉइड्स होता है एक इमरजेंसी मेडिसिन, ठीक उसी तरह एकोनाइट होम्योपैथी का एक इमरजेंसी मेडिसिन है। अभी आपका आंखें बिल्कुल ठीक था, नेक्स्ट मोमेंट ऐसा कुछ होता है जो आपको ऐसा फील होता है कि आंखों के अंदर कचरा भर गया हो, आंखों में लाल हो गया, सूज गया हो, अभी ठीक था, अभी खांसी जोर से चालू हो गई, अभी ठीक था, नेक्स्ट मोमेंट सरदर्द हो गया, भयानक सरदर्द। तो इस तरह के जितने भी तरह का इमरजेंसी अचानक से आने वाले प्रॉब्लम है, सबको टैकल करने में ये दवा बहुत ही लाजवाब है। वायरल इन्फेक्शन में जो कोरोना के पीरियड में कितने लोगों की जान बचाई है इस दवा ने, अचानक बहुत सारे लोगों की जान जाने वाली थी, वो लोग वैक्सीन भी ले चुके थे और कई ऐसे एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स, एंटी मलेरियल ड्रग, चाह न जाने क्या क्या वो लोग उनको प्रेस्क्राइब किया गया था, सब ले चुके थे, लेकिन उनका बुखार कम नहीं हो रहा था। एकोनाइट और आर्सेनिकम मालबम, ये दोनों दवा इस्तेमाल करके उनका बुखार 2 ही दिन में ठीक हो गया था। ऐसे कई एग्जाम्पल्स कोरोना के पीरियड में हमने देखा है और उसके ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं हमने। ये दवा आप हमेशा अपने घर में रखना, 30, 200, 1 mg तीनों पोटेंसी में रखना, ये आपकी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। तो जानेंगे इसके टॉप क्लिनिकल पॉइंट्स, किस किस पॉइंट्स के आधार पर आप इसका प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां पे इसको यूज कर सकते हैं, कौन सा इसका रूट पॉइंट है जहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है एक्यूट सडन वायलेंट इन्वेजन। एक्यूट मतलब अभी अभी हुआ है आपको, सडनली हुआ है, और वायलेंट बहुत तेज तरीके से, कुछ भी, चाहे खांसी हो तेज तरीके से, सांस लेने में दिक्कत हो तेज तरीके से, हार्ट का अटैक हो, पल्पिटेशन हो, एंजाइटी हो, फियर हो, घबराहट, वो कोई भी चाहे प्रॉब्लम हो, दिमागी हो या फिर फिजिकल हो, ठीक है, किसी भी तरह का सिचुएशन अगर वायलेंट होता है, वायलेंट इन्वेजन मतलब आपके अंदर वो तेजी से घुस आता है अचानक से बिना आपको दस्तक दिए, इस तरह की सिचुएशन में आप एकोनाइट के बारे में सोचना, डेफिनेटली उसका इस्तेमाल करना, रिजल्ट 100% आएगा, चूकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेंट्स फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड वेदर, अभी जो सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में होने वाले 99.99% रोगों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो कि अचानक से हुआ, धीरे धीरे जो प्रोग्रेस करता है उसमें ये कम काम देगा, लेकिन अगर अचानक से हुआ है तो फटाफट काम करेगा, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। तूफान की तरह, जो भी चीज तूफान की तरह है, अचानक से, अभी वातावरण शांत था, अचानक से आंधी तूफान उठे, तो इस तरह का सिचुएशन में एकोनाइट, बेलाडोना, दो इंपॉर्टेंट दवाएं हमेशा याद रखना, ठीक है। आंखों का जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है उसके बारे में जाए, कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है शरीर में, ज्यादा क्लिनिकली इस्तेमाल होता है, सिर्फ उन टॉपिक्स के ऊपर, उन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे, सारे चीजों के ऊपर नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट, ठीक है। आंखों का ड्राई हॉट एज इफ सैंड इन देम लीड स्वेलन हार्ड एंड रेड, आंखों के जो पलके हैं उनमें सूजन आ जाना, कंजक्टिवाइटिस हो या फिर चाहे कोई भी इंफेक्शन हो,
सूजन आ जाना, लाल पड़ जाना और ऐसे लगना कि आंखों के अंदर कचरा आ गया हो, धूल आ गई, मिट्टी आ गई, तो जिस तरह से सूजन हो जाती है उन तमाम सिचुएशन में बहुत बढ़िया काम करती है। नाक का ड्राई नोज स्टॉप लेस डिस्चार्ज, नाक में पानी बहुत कम बहता है, जैसे हमने नेट्रोमीर में देखा काली आयोड एलियम सेपा आर्सेनिकम एल्बम, वहां पर ज्यादा पानी बह रहा था, छींकें ज्यादा आ रही थी, यहां पर कम पानी बहेगा और नजल जो डिस्चार्ज है कम होगा, नाक बंद ज्यादा होगा, ब्लॉक ज्यादा होगा। इस चीज का आप हमेशा ख्याल रखना कि नाक बंद अगर रहती है, आमतौर पर नाक के अंदर ड्राइनेस ज्यादा रहती है, तो ये चीज बहुत बढ़िया काम करती है एकोनाइट। फेस का भी वैसे ही न्यूरल्जिया, खास करके लेफ्ट साइडेड बाई तरफ का न्यूरल्जिया, फेस में दर्द होता है, जो नर्व्स होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, जब आप ठंडे से एक्सपोजर होते हैं तो वहां पर दर्द होना, सूजन आ जाना, और ये न्यूरल्जिक पेन बहुत ज्यादा होती है और उसमें नमनेस एंड टिंगलिंग ज्यादा हो सकती है, मतलब सुनपन होना, झंझनाहट होना और दर्द होना, ये तीनों चीजें उसमें रहेगी, खास करके बाईं तरफ। दाईं तरफ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रहता है, लेकिन मोस्ट कॉमन रहता है बाईं तरफ, ठीक है। थ्रोट में इन्फेक्शन रहेगा, थ्रोट इन्फेक्शन, गले में दर्द होना, निगल नहीं पाना, टॉन्सिल्स के अंदर लाल हो जाना, सूजन आ जाना, तो ये तमाम चीजें, अंदर लाल पड़ जाएगा और कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग, मतलब आप निगलने में दिक्कत होना, वो अंदर ऐसा लगता है कोई अंदर का जो नली है वो सिकड़ा हुआ है, आप जो निगलेंगे तो आसानी से जाएंगा नहीं, बहुत दर्द होगा, तो ये फीलिंग होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में खांसी बहुत ही आम है और सांस लेने में दिक्कत होती है, रात के समय और ठंडी में एक्सपोजर होने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे आपको हिपरसल्फ में मिलेगा, ठीक है। इसमें ड्राई कफ ज्यादा होती है, हिपरसल्फ में वेट कफ, लूज कफ ज्यादा होती है, यहां पर एकोनाइट में ड्राई कफ ज्यादा होती है, दोनों में डिफरेंस है, वरना सिचुएशन वाइज मॉडलिटी वाइज देखें तो हिपरसल्फ एकोनाइट दोनों का जो सर्दी के मौसम में एग्रवेशन खांसी का ज्यादा होता है, हिपरसल्फ में लूज कफ होता है, एकोनाइट में ड्राई कफ रहता है, हिपरसल्फ का कफ धीरे धीरे बढ़ता है, एकोनाइट में सडनली आ जाता है, एक्सपोजर होते ही खांसी शुरू हो जाना, ठीक है। आप कहीं घूमने गए हो और एक्सपोजर हो गए, घर लौटते ही खांसी शुरू हो जाती है, तो इस तरह का सिचुएशन बच्चों में आम देखने को मिलेगा, आप इसका अप्लाई करना, रिजल्ट क्विकली आएगा, ठीक है। हार्ट का जैसे कि मैंने कहा टकीकार्डिया में पल्पिटेशन ज्यादा होता है, पल्पिटेशन बहुत ज्यादा होता है, तेजी से धड़कता है दिल, घबराहट होती है, कहीं भी आप जा नहीं पाते, कहीं भी बैठ नहीं पाते, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये जो हार्ट बहुत तेजी से धड़कता है, पल्पिटेशन होती है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हार्ट अटैक में, इसीलिए इसको दिया जाए। एंजाइना पेन में, एंजाइना पेक्टोरिस जैसे बोलते हैं, बहुत भयानक दर्द होता है, अचानक से दर्द, तो उसमें अगर आप रिपीटेशन वे में देंगे 200 को, 30 को, कोई भी आपके पास हो, हर 10-10 15-15 मिनट में 3-4 बार 5 बार दे देना, फटाफट ये उसको रिलीफ करेगा और जो अटैक है जो पेन में तुरंत आपको रिलीफ दे देगा। एक्सट्रीमिटीज नमनेस टिंगलिंग होगा, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होता है बहुत सर्दी के एक्सपोजर में, और ये जो स्विच वो जैसा दर्द है, जो उसमें सुनपन आ जाना, टिंगलिंग सेंसेशन जिसको बोलते हैं, ये तमाम नमनेस टिंगलिंग दोनों उसमें रहेगा, हाथ और पांवों के तलवों में, उंगलियों में वो काम नहीं करेगा, आप जब भी कुछ चीज को छुएंगे, कुछ पकड़ेंगे तो झंझन झंझन आप वो वहां पर ऐसा लगेगा कि वो आप छूट जाएगी आपके हाथों से, झंझनाहट बहुत तेजी से होता है, सुन्न पड़ जाता है, तो इस तरह का आपने फील किया होगा, आमतौर पर सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा होती है, इट्स ऑल ड्यू टू द नर्व इंपेयरमेंट, मतलब आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेकडाउन हो रहा है, बहुत वीक हो रहा है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वहां पर शरीर के सर्कुलेशन बहुत कम है, इन तमाम चीजों में ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो हमने जाना कौन कौन से ऑर्गन में ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, अब पोटेंसी के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा 30-200 1 mm तीनों रखना, 30-200 फिजिकल प्रॉब्लम में, अचानक से आए हुए प्रॉब्लम में आप इस्तेमाल करना, रिपीटेशन वे में आप दे सकते हैं, 10-10 15-15 मिनट में दे सकते हैं, अगर तेज सिचुएशन हुआ कम होने पर ड्यूरेशन कम कर देना या फिर बढ़ा देना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आपका कुछ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो आप उसको ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, 10-10 15-15 मिनट में दे सकते हैं, थोड़ा आराम मिला फिर उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना, 3 घंटे 4 घंटे ऐसे करके फिर बंद कर सकते हैं आप। मेंटल स्फीयर में अगर प्रॉब्लम है तो 200 या फिर 1 mm आप 2 या 3 डोज दे सकते हैं, 1-2 घंटे के गैप में फिर बंद कर देना, 1 mm का 2 या 3 डोज से ज्यादा नहीं देना, आपको वेट करना है, देखेंगे 1 या 2 डोज में ही काम हो जाएगा। एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, पल्पिटेशन, ये जितने भी तरह का
दिमागी लेवल का खेल है, उसमें 1M ज्यादा इस्तेमाल ना करना, बहुत ही बढ़िया है, आपको रिजल्ट मिलेगा, तुरंत ही रिलीफ करेगा। ठीक है, तो ये तो था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो एकोनाइट के ऊपर, सीक्रेट पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, और इसको इस्तेमाल करें, और भी बहुत सारे वीडियोस है, टॉप पॉइंट्स है उनका, बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उसको नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि आपको क्विकली नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।